नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज कुछ कर लेते हैं डांस के एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य में प्रचलित लोक नृत्य है? कथकली केरल का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु का यह व्यापक रूप से प्रशंसित नृत्य रूप है, मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा तमिलनाडु का नृत्य है? मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया भी था वीडियो में, अगर प्रीवियस आपने देखा होगा कि भात से आप लोग याद रखें तो तमिलनाडु का भात भरतनाट्यम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य महाभारत रामायण और पुराणों की कहानियों में कौन सा नृत्य अंतर्निहित है, मतलब इन जो महापुराण है महाभारत रामायण, इनमें किस नृत्य की सर्वाधिक चर्चा मिलती है? तो उसका सही ऑप्शन है कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरी नामक गांव से हुई है? तो आंध्र प्रदेश से तो आप जानते हैं कि कुचिपुड़ी है, और कुचेलापुरी जगह से कुचिपुड़ी ही प्रसिद्ध हुआ था, उसी गांव के नाम पे इस नृत्य का नाम कुचिपुड़ी पड़ा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कुचुपुड़ी लिखा लिखा हुआ है, उसे आप कुचिपुड़ी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क के सूर्य मंदिर की मूर्तियां किस नृत्य में चित्रित है, मतलब वहाँ जो मंदिर, प्राचीन जितने भी आप मंदिर देखेंगे ना, तो उनकी दीवारों पे मूर्तियां बनी हुई हैं पत्थरों को तराश कर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किस नृत्य में चित्रित है, तो ओडिशी नृत्य में, मतलब जो उनकी मुद्राएं मिली है उसका साम्य ओडिशी नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक जिसकी उत्पत्ति पंजाब में हुई थी, हिकत ओडिशी डांडिया भांगड़ा, तो आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि यह सही ऑप्शन भांगड़ा में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का लोक नृत्य है, असम का लोक नृत्य बिहू है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य है? कथक भांगड़ा मैका जात्रा, इसमें ऑप्शन है कथक, क्योंकि भांगड़ा मैका जात्रा ये सारे लोक डांस है, फोक नृत्य जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य में रेशम की साड़ी का उपयोग पोशाक बनाने के लिए किया जाता है, मतलब डांस का जो कॉस्ट्यूम है उसमें रेशम के कपड़े का यूज होता है? तो कथक आप जानते हैं अच्छी तरह, लहंगा घाघरा सूट चूड़ीदार मुगलाई टाइप के वस्त्र हम लोग पहनते हैं, गरबा में वहाँ का पारंपरिक पोशाक होता है जिसमें कपड़े का ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं बनाया हुआ है, भरतनाट्यम में कांचीवरम साड़ियाँ ये इस्तेमाल की जाती है, हालांकि रेशमी ये भी होती हैं लेकिन व्यापक रूप से सत्रीय नृत्य में रेशमी साड़ी का यूज होता है, क्योंकि वहाँ आप इसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे सत्रीय नृत्य को, तो वहाँ एक सहतूत के पौधे से प्राप्त रेशम का इस्तेमाल अक्सर वहाँ की साड़ियों में करने की बात आती है। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा क्षत्रिय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, किस भारतीय देवता को नृत्य का स्वामी कहा जाता है? तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे लिए नटराज भगवान शिव जो है वो नृत्य के स्वामी कहे जाते हैं। थैंक्स, बने रहिए मेरे चैनल पे, आगे भी हम एमसीक्यू डालेंगे जो बीपीएससी नृत्य के एग्जाम के लिए, डांस टीचर के एग्जाम के लिए फायदेमंद होंगे। थैंक यू।